हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चंदू तुमने 10 बार कहा है अपने मुंह से मेरा नाम मत लिया करो। तो फिर मैं कहां से लूं तुम्हारा नाम? कप्पू, तुम अपने दोस्त को समझाते क्यों नहीं कि सब फालतू इंसान है? आज पता चला जब कोई फालतू आदमी पीछे पड़ जाता है तो कैसा लगता है? कप्पू प्लीज, भूरी को ऐसे मत बोला करो, मैं हर्ट होता हूँ। भूरी, इसके बारे में बोला करो, मुझे खुशी होगी। वैसे एक बात है, जे ये जितना भी गुस्सा कर ले मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है लड़की की नाम ही यहाँ होती है। मेरी नाम ही ना ही है। हाँ तो तू लड़की भी तो नहीं है ना? तुमसे ये तुम्हारी चॉइस नहीं, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस है। वाह कप्पू, क्या बात है, मेरे साथ रह के इंग्लिश कितनी अच्छी होगी तुम्हारी। लेकिन सर्कमस्टेंसेस तो खराब हो गए ना। अरे कुछ पानी के लिए कुछ खोना पड़ता है, और सुबह सुबह बाहर आने के लिए मुंह धोना पड़ता है। धो के आया करो। देखो, आई एम बोर्न ब्यूटीफुल, यू आर नॉन ब्यूटीफुल। अच्छा, माहौल बड़ा शायराना हुआ है, मुझे लगता है मेरे बात बन जानी है। ओ, शगुन भी साथ में लेकर आई है। शगुन नहीं, टेडी बेयर है। तो कोई बात नहीं, मेरे को टेडी बड़े पसंद है, मैं तो सोता भी टेडी के साथ हूँ। हाँ, इसका तो डैडी भी टेडी के साथ सोता है। दुनिया में कौन सा लड़का है जो टेडी के साथ सोता है? अच्छा, जब लड़कियां लड़कों के कंधों के साथ कंधा मिलाकर चल सकती हैं, तो लड़के क्या टेडी के साथ नहीं सो सकते? शाबाश चंदू, वेरी वेल, कीप इट अप। यस यस। एक बात बताओ यार, तुम अचानक से इतनी अंग्रेजी कैसे बोलने लगे? तू भी बोला कर, इंप्रेशन पड़ता है। चल बोल, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल नहीं, गाली गलौज मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे वो गाली नहीं दे रहा, उसका मतलब है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो फिर मेरी आवश्यकताओं को भी समझो। Excuse me? मेरे आविष्कार की भी जननी बन जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है। चलो छोड़ो दिमाग उमाग, ये बातें बाद में होती जाएंगी, जल्दी से रेडी हो जाओ। ओ, मैंने तुम्हें अपने गांव में डेस्टिनेशन वेडिंग पे लेकर जाना है। डेस्टिनेशन वेडिंग? ओ, उधर रोपड़ में। हाँ, रोपड़ से आगे 2-3 मीटर दूर झोपड़ में, उधर लेटर रहेंगे सारे रिश्तेदार इसके। मैं ना खोपड़ मार के तेरा खोपड़ खोल दूंगी। वाह, खोपड़ मार के खोपड़। भी सिद्धू जी क्या गए, सब काफिया मिलाने लगे इधर। छोड़ो इसको, काफिया बाद में मिलाना, मेरी बात सुनो, फटाफट रेडी हो जाओ। उधर गांव वाले तुमसे मिलने के लिए बड़े बेकरार हैं। अरे मैं क्यों तुम्हारे गांव जाऊं? यार उधर तुम खुला खुला फील करोगी। मौसम अच्छा है, हवाएं चल रही हैं, झरने बह रहे हैं। झरने वरने कोई नहीं, उधर बच्चे छत पे खड़े होकर सुसु करते हैं, झरने बोलते हैं। यार कभी कुछ अच्छा बोलोगे मेरे बारे अच्छा में? बोलो तेरे बारे में। पता गांव में क्या बोल गया अपनी माँ से? कहता मेरी नौकरी लग गई अदालत में, मैं जा रहा हूँ। हाँ। वो कहती जज लग गया? कहता नहीं नहीं, मैंने झूठी गवाही देने का काम शुरू किया। छोड़ो यार इसके मुंह नहीं लगना। बुरी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो। उधर मैंने स्पेशल अपने फार्म हाउस में तुम्हारे स्टे का अरेंजमेंट किया है। बहुत बड़ा फार्म हाउस है इसका, पता तुम्हें? बहुत बड़ा, बताओ। ले दे के 4 बकरियां, 2 मुर्गियां, ना बांग देती ना अंडा देती है। हाँ तो मुर्गियों की शादी भी तो नहीं ना, यही अंडा कैसे दे दे वो? समाज को मुंह दिखाना होता है, गांव है। खैर तुम, मैं गांव नहीं जाऊंगी, मैं शहर की एक मॉडर्न लड़की हूँ। हाँ, शहर की बड़ी मॉडर्न लड़की भी, इधर बड़ा रमेश कुमार के कपड़ों की मॉडलिंग करती तू। एक सेकंड, ये रमेश कुमार कौन सा फैशन डिजाइनर है? तू कौन सा मॉडल है तू? यहाँ पे भैंसों का गोबर उठाना होता तूने? यू इधर बोल रही है, सुबह सुबह विकेट कीपर बन के खड़ी होती, आंदे आंदे कहती। 3 पकड़े क्या तूने? चौथा छूट गया, कहती ओ माय गॉड। फिर बाहर घूम रही, कहती मैं तो मुल्तानी मिट्टी लगा के घूम रही हूँ। यार कप्पू शर्मा, जब मैं प्यार से समझा रहा हूँ तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? जल्दी करो, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन में? हाँ? और मैं नेवा। यहाँ नाटक कर रही है, उस दिन मेरे चाचा के बेटे की शादी में लकड़ बक्के के पे बैठ के भागी है। हालांकि ऊपर ऑलरेडी इसकी दीदी बैठी हुई थी, ये नीचे से उसकी छाती को ऐसे जफी पाके भागी। तुझे शर्म नहीं आती?
मेरा ना एक्चुअली मन करे डंडा लेके ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, तुम्हारी वजह से सुबह सुबह ना ये बातें सुननी पड़ रही है मुझे। वही बात नहीं, सुबह सुबह सुननी पड़ रही है, टीवी पर तो रात को आएंगे ना। तुम जैसे ये बातें करते ना मुझे लगता है कि तुम्हारा गांव तुम्हारी तरह एकदम पिछड़ा है। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ चलो भूरी। एक बात तुम्हें पता है, जब से मेरे ताऊ जी उधर सरपंच बने उन्होंने बिल्कुल पूरे गांव की शक्ल चेंज कर दी उन्होंने। तो अपनी भी करवा लेता बोल के। एक तो ये बंदा नहीं जीने देता, कोई बात नहीं करने देता ये बंदा। थोड़ी सी अपडेट कर लो अपने आप को ताकि ये वाहियात बातें ना करो। अपडेट क्या है, मैं अपने फेफड़ों में सिम कार्ड नया डलवा लूं? तुम्हारे जीजा की तरह इधर टावर लगा लूं मैं? ए खबरदार, मैं जीजू के बारे में कुछ बोला तो ओके? पता कितना प्यार करते हैं जीजू मुझे। ऐसी बातें धीरे बोलनी चाहिए, तुम्हारी दीदी ने सुन ली ना तो मुझसे पहले तुम भगवान को प्यारी हो जाओगी। पैसे वाला प्यार नहीं, दूसरा वाला प्यार। एक तो ये लड़कियां प्यार में वैरायटी बड़ी रखती है कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा जस्ट फ्रेंड है, ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, ये 3 AM फ्रेंड है। हम लड़कों की तरह देखो, एक ही नजर से देखते हैं सब लड़कियों को। अब क्या करें, लड़कों के रूप ही इतने हैं कि समझ नहीं आते। शर्म नहीं आती लड़कों के रूप देखते हुए? मेरी बात सुनो, तुम मुझे कोई भी प्यार करो, उस बच्चा यादव से तो ज्यादा ही खुश रखूंगा तुम्हें मैं। देखो मेरे जीजू से कोई बराबरी नहीं कर सकता। तुम एक बार शादी करो, सबसे पहले मैंने उसका रिकॉर्ड तोड़ना है, उसके 11 बच्चे मैंने 16 करने हैं। ताऊ जी का। हाँ जी ताऊ जी। हाँ जी पैरी पहना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कपड़े डाले हैं बस निकल पड़े हैं। हाँ जी आपकी बहू भी साथ में है। बस आ रहे आ रहे आ रहे, बड़े प्यार से देख रही है मेरे को। हाँ जी आ गए आ गए। शादी हुई नहीं, बहू कैसी? भूरी, ताऊ जी की लास्ट स्टेज चल रही है। क्या हुआ है ताऊ जी को? उनको लास्ट स्टेज का जुकाम है। उनकी दोनों नाक भी बंद हो चुकी हैं। तो वो सांस कहाँ से ले रहे हैं? ये तो पता नहीं, लेकिन हर सांस के बाद उनको उठना पड़ता है। Shut up, shut up! एक काम करो, मुंह उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। बुरी, मेरी बात सुनो। तुम देखो मेरी ऐसे मेरे से शादी कर लो, क्योंकि ऐसी शादी करोगी तो सिर्फ एक जन्म तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर मैंने 16 सोमवार के व्रत रख लिए फिर 7 जन्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। पहली बार मैंने किसी आदमी को ना धार्मिक धमकी देते हुए सुना है। बाहर में गई तुम्हारी धमकी, मैं नहीं मानने वाली। मैं ना जीजू को बोल के तुमको मोहल्ले से निकलवा दूंगी। ठीक है फिर, आज ये चंदूलाल अपनी जान देगा तुम सबके सामने। ओ इधर मैं अपनी जान निकाल रहा हूँ, टोपी में से कबूतर नहीं निकाल रहा हूँ मैं। हमारे लिए उसी के बराबर है। वो एक खबरदार, बिल्कुल जान नहीं देनी, ना ही किसी ने लेनी है। हाँ क्या है? मेरे भाई हाँ, मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे गांव में मेरे नाम का मेला करवाया करोगे। पैसा कौन देगा? पहले इतना उधार लेके मर रहा है और मेला करा लूं मैं? कवालों को पैसे कौन देगा? वो पिछली बार भी कवालों को पैसे नहीं दे रहे, तेरी ताई उठा के ले गए थे वो। अभी बोल रहा है मैंने नहीं कराना तेरी याद में मेला। यार तुम मेला मत करवाना। हाँ? भूरी, जब भी तुम दो हंसों का जोड़ा देखना तो अपने चंदू को याद कर लेना। दो हंसों ना, दो सांपों का जोड़ा देखोगी ना? ओए चंदू, मैंने अपनी जान लेनी, मैं बहुत सीरियस हूँ। भूरी चंदू, भूरी समाना तुम्हें माफ नहीं करेगा। चंदू तुम्हें माफ नहीं करेगा। चंदू मुझे रोको मत। मैं रोक नहीं रहा हूँ, तेरे गंदे कपड़े पड़े वो लेके जा पहले। तो तू मर गया तेरे कपड़े कौन धोएगा? पहना दो मुझे सर से लेके पांव तक जंजीरें। ये क्या हो गया तुझे? ठीक ठाक है? पहना दो मुझे सर से लेके पांव तक जंजीरें। वाह, आज आई है अपने खानदानी कपड़ों में। एक्सक्यूज, ये खानदानी कपड़े नहीं है, ये वो मैं अपने नेक्स्ट रोल के ऑडिशन की रिहर्सल कर रही हूँ पाजी। ओहो, वो क्या अच्छा। है ना, नवाज सर और अमृता आए हैं तो मुझे लगा मैं उनको दिखा दूँ अपनी रिहर्सल। ये देखो, एक तरफ अमृता राव, एक तरफ भजिया पाव।
तरफ नवाज, दूसरी तरफ दगाबाज। वाह सर, मैंने आपकी फिल्म ठाकरे का ट्रेलर देखा और उसका जो डायलॉग है कि भीख मांगने से अच्छा है अपना हक छीन लो। इसका भी सेम ही है नवाज भाई, हैं? भीख भी मांग लो, हक भी छीन लो और फिर भाग जाओ। जेल से कैसे आना हुआ? एक्सक्यूज मी, मैं जेल से नहीं आई हूँ, ओके? मैं अपने नेक्स्ट रोल की तैयारी कर रही हूँ। मुझे एक बायोपिक ऑफर हुई है। कौन सी बायोपिक? तेरे साथ कोई सेल्फी पिक नहीं लेता तू? बायोपिक कौन सी बायोपिक ऑफर हुई है? मेरी खुद की दादी की। पाजी क्या स्टोरी है, मैं क्या बताऊँ क्या स्टोरी है। और कैरेक्टर, उसका जो ग्राफ है, उसका जो डेप्थ है। डेप्थ बता, मैं तेरे को बताऊँ इसकी दादी की? इसकी दादी चोर थी, इसकी दादी और क्या। ये डेप्थ जिसको बोल रही है ना, मतलब जितनी मर्जी डेप्थ हो वो कूद जाती थी। इस दादा भी इसका चोरी किया हुआ था इसकी दादी ने, पता है? अब बेचारे को थोड़ा कम दिखाई देता था, वो कहता सड़क पार करा दो, सड़क पार करा के घर ले गई। उसके बाद दादा के साथ सारी हदें पार कर गई इसकी दादी। सोचो, जिसकी दादी ने सारी हदें पार कर दी, उनकी पोती क्या क्या कर सकती। तो देखा आपने, जो बच्चे आपसी सहमति से नहीं होते वो आगे जाकर ऐसी बातें करते हैं। यार तू एक काम कर, तू ना प्रोटीन अपना बढ़ा और ककड़ी खाया कर, अकल आएगी तेरे दिमाग में ना। देखो, जितनी अकल चाहिए उस हिसाब से तो बहुत है। After all, I belong to a very nice family. भाई ये फैमिली की बात करते हैं। अच्छा भाई, आपको पता है वो ट्रेन में जो लोटे नहीं बंधे होते चैन के साथ, वो पहले खुले होते थे, इनकी फैमिली की वजह से उन्होंने बांधने शुरू किए। ये आपको इसका टैलेंट नहीं पता नवाज भाई, ये पान की दुकान के निकल रही ना सामने से, कोई आदमी अगर खड़ा सिगरेट पी रहा है ऐसे करके खींच लेती है ये, ऐसा वैक्यूम वाला मुंह है इसका। नहीं नहीं पाजी, जो मैं नहीं करती हूँ वो इसको दिखता है, तो जो मैं करती हूँ वो क्यों नहीं देखते हो? आओ कभी मेरा प्ले देखो, पता है कितना हिट प्ले है मेरा। बड़े हिट प्ले होते हैं। आपको पता है पिछले महीने एक प्ले किया आजादी के ऊपर था, अच्छा पहला प्ले जिसमें अंग्रेजों ने इसको देख के खुद कहा भारत छोड़ो भारत छोड़ो। इसने रखे हुए पत्थर के ना दो, ऐसे उंगली में फंसा के पता नहीं क्या करती है। अच्छा दादर स्टेशन पे जितने पंटर लोग सो रहे होते सब इसके जानकार हैं। What rubbish, यहाँ पे बोलती है, उधर इसकी आवाज सुनना है। ए चिंटे सुनता क्या तू? कोपके में लेके जाके बताऊं तेरे को क्या? 00 चूना और कमाम का पान लगा के लेके, ऐसे बातें करती है ये। पान बहुत खा लिया कप्पू, अब ना किसी दिन चूना लगेगा, वो भी तुमको फ्रॉम भूरी। और जा, दरवाजे की चटनी तरह से लगती नहीं है, चूना तो लगाएगी मेरे को। देखो जिस दिन दरवाजा बंद करने की नौबत आ गई ना, छिटकी नहीं लग जाएगी अपने आप। जा बेटे, कुंडी जैसा मुंह छिटकने की बातें नहीं करते। कुंडी ना खड़का राजा सीधा अंदर राजा। नवाज भाई, गैंग ऑफ वासेपुर में आपने कितनी गोलियां चलाई हैं? एक आध कोई बची होगी, हाथ से मारो। नहीं नहीं, मुझे जो सीख रहा मैं सीख लूंगी। सर, आपका एक डायलॉग है जो मेरा सबसे सबसे ज्यादा फेवरेट है। 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ और मौत को छूकर टक से वापस आ सकता हूँ। ये भी रोक लेती है 15 मिनट सांस। 15 मिनट ये रियल में रोकती, सड़क पर ना सांस रोक के लेट जाती, फिर लोग जूस पिलाते हैं। और फिर रात को डिनर का टाइम आता है, सेम मांगता है। चल अब दिखा ना अपना टैलेंट, तो दिखा आई उनको मिलने आई तो। वो तो जब वक्त आएगा मैं टैलेंट दिखाई दूंगी, लेकिन पाजी हाँ, किसी ने खूब कहा है, क्या खेल ताश का हो या जिंदगी का, वाह अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले। क्या बात है यार, कहाँ गई गुड़ी यार, क्या बात। सीधा बोल, तेरा पत्ता ही खेलने का मन कर रहा है, निकाल गड्डी निकाल। कप्पू, ये बैठती है ऑटो वाले के साथ ऐसे, अच्छा यहाँ पे अच्छा भला आती है। हाय हाउ आर यू, ए निकालना तेरा बादशाह निकाल तेरा इक्का, ये मैं बताऊंगा सारी बातें। कप्पू क्या है, बाजार में सारे खिलौने बिक गए जब हमारे दिल से खेलने लगे हो? आज बड़ी टूटे दिल वाली बातें कर रही है, तो क्या हो गया तेरे को? अब क्या कहूँ, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। क्या? किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे
तो टूटना पड़ेगा। यकीन नहीं होता तो चाय में डूबे बिस्किट से पूछ लो। एक विशेष सूचना, एक बच्ची किसी शायर की किताब चोरी करके भागी है, जिसकी भी हो ले जाए। कप्पू भैया, कप्पू भैया, अरे कप्पू भैया, तो ये चूहे की मौसी यहाँ पर है। क्या बोली? आपको पता है कप्पू भैया, ये वो मुकेश की शायरी की किताब लेकर भागी है ये। ए, मैं तो मुकेश को जानती भी नहीं हूँ। जानती भी नहीं। सारा दिन मुकेश के साथ चिल्लम फूक फूक के फैजल के कट्टे जैसा मुंह हो गया इसका। बात करती है क्यों फैजल, बताओ ना। कप्पू तुम अपनी बहन को समझाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा क्यों, तेरे को अभी भी डाउट है तेरे पे? तेरे को मालूम है नवाज भाई तेरे से बड़ा कारतूस बंदूक में डाल के फोड़ते है ऐसा। बात कर रही है कप्पू, मैं ना भूल जाऊंगी तुम्हारी बहन है। अच्छा, वैसे भी तू भूलती है, मेरे पे काहे को नाम डाल रही है यहाँ पे। ध्यान रखना, हट यहाँ से बाजू में। अगर मेरे कप्पू पे नजर डाली ना तूने तो मैं तेरे से 100 रुपया लूंगी। अपना तो भाई के पैसे लगी। अच्छा, यहाँ पर आपके स्पॉन्सर पे स्पॉन्सर बढ़े जा रहे हैं दिन ब दिन। करोड़ों कमा रहे हो, 2 रुपया कमाऊं तो तकलीफ है आपको। बहुत अच्छा। क्या क्या देख रही है इधर? चूहे की मौसी। चूहे की मौसी किसको बोलती है रे? ए जल कुकड़ी, ज्यादा बकवास नहीं कर। तू जल कुकड़ी। लपड़ झट्टी। ए लड़की रही है वो, नवाज भाई को टैलेंट दिखाना जो अपना अंदर दिखा रही थी टैलेंट मेरे को। क्या, वो जो किक में हंसी हंसी हंसते थे वो। इसको ज्यादा मैं सिखाई है आपने तो स्टेशन पे जाके मैं पागल हो गई, पागल हो गई बोलेगी, सबसे पैसा मांगेगी, मैं जानती है इसको। चल चूहे की मौसी यहाँ, चल ले जाओ उसको। हाँ, और चुनवा लो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.